नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बेंगलुरु में ऑर्डर कैंसिल करने पर महिला पर हमला करने वाला डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु डीसीपी ने इसकी पुष्टि की है। ये घटना मंगलवार रात की है। मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट हितेशा चंद्रानी को मंगलवार को बहुत बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा। खाना मंगवाने के लिए जोमैटो पर दिए गए ऑर्डर को रद्द कराने के बदले उन्हें बदतमीजी झेलनी पड़ी और चेहरे पर घूंसा खाना पड़ा। इसके चलते हितेशा की नाक की हड्डी टूट गई। हुआ यूं कि हितेशा जोमैटो के साइट पर जाकर दोपहर के खाने का ऑर्डर दिया था। जब खाना आने में देर हुई तो उन्होंने साइट के कस्टमर केयर पर जाकर उससे देरी के चलते ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कहा। इसी बातचीत के दौरान ही जोमैटो का डिलीवरी बॉय कामराज वहां आ गया। हितेशा ने जब उससे खाना वापस ले जाने के लिए कहा तो भड़क उठा। कहा, वह क्या गुलाम है जो इस तरह बेवजह दौड़ भाग करेगा। मॉडल ने जब अपने फ्लैट का दरवाजा बंद करने को चाहा, कामराज धक्का देकर भीतर घुस गया और उसने खाने का पैकेट वापस ले जाने से इनकार कर दिया। थोड़ी हिल हुज्जत के बाद कामराज ने हितेशा के चेहरे पर घूंसा जड़ दिया। जब हितेशा चिल्लाई तो कामराज भाग खड़ा हुआ। बाद में हितेशा ने आप बीती बताते हुए अपना वीडियो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर डाल दिया। कुछ ही देर में ये वीडियो साइट्स पर वायरल हो गया। वीडियो में हितेशा ने बताया कि डिलीवरी बॉय के हमले में उनका नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गया और नाक से रह रहकर खून बह रहा था। जोमैटो ने कहा है कि वह मामले की पुलिस से जांच में सहयोग कर रहा है, साथ ही पीड़ित महिला को चिकित्सीय सहायता के लिए कार्य कर रहा है। जोमैटो ने हितेशा को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने के लिए आभार जताया है। इंटरनेट मीडिया पर महिला के इस वीडियो के वायरल होते ही जोमैटो कंपनी की तरफ से बयान आया। कंपनी ने इस घटना के लिए पीड़ित महिला से माफी मांगी है। आपको बता दे, इंटरनेट मीडिया पर इस वीडियो के सामने आते ही लोग हैरान तो हैं ही, साथ ही डिलीवरी बॉय के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।